तो हमारा ये कहना है कि देखो वायुमंडल ऐसा आता है कि ये पृथ्वी, आप समझ लो ये गोल है, पृथ्वी ऐसे है किसी भारत में, जैसे हम भारत में ऐसे है ये भारत में। किसका सवाल होता है यहाँ से, लुढ़क क्यों नहीं जाते? किसी का सवाल समझ रहे? नहीं तुम लोग पूछो नहीं लुढ़कते, पूछा वे गुरुत्वाकर्षण अंशु, के बल से हम तो इसका मतलब तुम लोग समझ में नहीं आता सीधी सी बात क्या है ना। पर मतलब तुम लोगों को मेरा दिमाग खा जाना चाहिए, इसमें से लूटा क्यों नहीं जाते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। वो नहीं करिएगा नहीं ठीक है, उतना तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इसमें से लूटा काहे नहीं जाते हैं। अरे गोल है तो ना ऐसे करके लुढ़क जाएंगे, लुढ़क लुढ़क के फिर गिरेंगे कहाँ अंटार्कटिका जाके इसमें गिर जाएंगे, कैसे आकाश में गिर जाएंगे केंद्र देख ला है? बोला तो देखो ठीक है, अब समझो हम ऐसे समझाते मुझे। हैं, इससे तुम छोटा सा पिद्दी सा, ये तो थोड़ा ग्लोब छोटा, थोड़ा और बड़ा ग्लोब रखो, इसमें छोटा सा पिद्दी सा तुम चींटी रखो, समझे बात? सबसे अच्छी बात है, इस पे चींटी रख दो और फिर देखो उसका कमाल, वो गिरेगा कभी? ऐसे छोड़ दो ना उसको, ये इसको हवा में सोचो, हवा में ये लटक रहा है, और ये थोड़ा ग्लोब और बड़ा ले लो, तो उस पे चींटी कभी नहीं उसमें से गिरे, क्योंकि ये क्या है ना कि पृथ्वी इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा है ना कि उसके कंपेरिजन में आदमी तो इतना बड़ा भी नहीं। तो ऐसा होता है कि जब हम बहुत 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 बड़े जगह पे खड़े होते हैं तो वो लगता है कि ये लगभग ये सीधा, अब जैसे कि एक बहुत बड़ा वृत्त बना दे, ऐसे समझो बहुत बड़ा वृत्त बना दे ऐसे, उसके लिए छोटा सा ये पॉइंट बिंदु तो तुम्हें क्या लगा ये तो सीधे है। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो तो अंदर की तरफ लगता है, हर तरफ क्या लगता है अंदर की तरफ, उसके केंद्र की तरफ लगता है, तो जहां तुम खड़े हो ना वहीं से पृथ्वी तुमको अंदर की तरफ खींच रहा है। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो पृथ्वी हमको अंदर की तरफ खींच रही, तो जो जहाँ पे है हम ऐसे पृथ्वी धरती में क्यों नहीं धस जाते? धरती में इसलिए धस जाते हैं क्योंकि इसका लेयर जो है उतना हाई पावर नहीं है कि हमको खींच के अंदर डाल देगा, मतलब तो है गुरुत्वाकर्षण लेकिन इतना नहीं है कि हमको अंदर में सरता, जैसे चुंबक होता है तो चुंबक थोड़े रहता है कि सबको खींच के अंदर ले आए, तो इतना पावर नहीं है इसके अंदर में कि हमको अंदर सरसरा के ले, है गुरुत्वाकर्षण इतना कि जिससे इस पर हम खड़े हो सके, इतना नहीं है कि उसके अंदर सरसरा के चल जाए, ठीक है? तो ये एक बेसिक बात है। दूसरा बात क्या है, इसके अंदर हार्ड लेयर है पूरा, समझे ना? समझो इसके अंदर अभी समझाएंगे पृथ्वी जब पढ़ाएंगे ना, ये कोर है उसके अंदर जो क्या है मैग्मा होता है ना पूरा, इतना गर्मी है ना इसके अंदर पिघल के मेटल वगैरह धातु वातु है, और ये ऊपर जो है मिट्टी का परत है जिसको क्रस्ट बोलते हैं, ये पट्टी पे क्रस्ट, ये हार्ड अंदर में, ये इसको पता है इसके अंदर हम लोग जाएंगे इसके अंदर घुस जाएंगे मर जाएंगे, इतना गर्मी उसको पढ़ाएंगे अलग से आगे के अगले किताब में। तो ऊपर में क्या है मिट्टी उट्टी है तो हम इसके अंदर जा नहीं सकते, ठीक है समझे बात? क्योंकि ये मिट्टी है और हार्ड लेयर है, तो ऊपर से हम लोग बैठे हैं। तो ये सवाल हो गया हमारा, दो सवाल का जवाब दे दिए इसके, ये तो हमारी औकात इतनी इतनी भी नहीं है इसके, और दूसरा बात हमको खींच रही इसलिए हम इससे उड़ नहीं सकते, तुम्हारे दिमाग में ऐसे गिर कहीं नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं गिर सकते क्योंकि इतना बड़ा है ना। तो तुम चींटी का एक उदाहरण देकर समझ लो, एक बड़े तुम बड़ा बॉल ले लो, इससे मत लाओ अभी हम बताए, इमेजिन करो। और दूसरा बात, ये तो ये जो हम गोल बनाया है ना हमारे वायुमंडल इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसे है, क्या है इस तरीके से, थोड़ा समझो इस क्या हुआ तो इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है ना, ये जो पर अब जैसे हवा ऐसे देखिए वहाँ पे सुनो, इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है कि हवा ऐसे ना होके ऐसे इसी के पैरलर में पृथ्वी के ही पैरलर में समतल में इस तरीके से है हवा, ठीक है समझ में? तो हमारे पास जो वायुमंडल का परत ऐसे क्या है ऐसे, तुम्हारा दिमाग होगा कि ऐसे है ये नहीं है ऐसा, देखिए ना नहीं गिर रहा चीटी वहाँ पे ही है हाथ के पास पकड़ लो, कहाँ है चीटी? आइए देखो यहाँ है चीटी, देखो मिल भी गया चीटी तो उसके देखो ये जितना बड़ा है ना इसके कंपेरिजन में ये बहुत ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ऐसे ही हमारी हालत ये चीटी की जैसी है, तो हम गिर नहीं सकते हैं, ठीक है समझ में आ गया? नहीं तो दिमाग में आता कि गोल है तो हम लोग गिर के कहीं लुढ़क कहीं नहीं जाते। अब हो गया सवाल नंबर दूसरा की इंडिया, अब क्या है क्योंकि देखो सिंपल सा परिभाषा क्या है कि हमारे
पृथ्वी के ऊपर जो गैस है, धूलकण है इत्यादि के जो ग्रुप समूह है उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल मतलब वायुओं का अलग अलग वायु, जिसमें अलग इत्यादि गैस कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, जो भी गैस है सारे समूह को हम लोग ये क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। आपको तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत से घिरी हुई है जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह के महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। हम इसे ऐसे वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य से कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है, इसमें बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम लोग वायुमंडल, तो पहला काम करो इसको ड्रॉ करो, इस छोटा सा फोटो, और यहाँ पे परिभाषा के लिए जगह रखना। बता दो क्या अच्छी है कौन है? ओ हमारी बहन है, ठीक है। कह रही है पता चल गया है तुम्हारे पापा जी से कहेंगे। तो सब पहला परिभाषा क्या है? वायुमंडल, देख रहे हैं तुम्हारा आ गया कंप्लेंट। अंशु क्या किया जाए, तुम्हारा डराया जाए कि झाड़ू लगाया जाए कि क्या किया? तभी तो आप यही बोलते हैं, तभी तो करवाते हैं नहीं। खड़ा किए तो रोने लगे थे, अब क्या करें? इसके बाबू जी से परमिशन लेंगे ना तब, तब खड़ा करेंगे। और माँ से कहेंगे क्या सजा दिया है? मम्मी पापा का हमेशा मन रहता है कुछ भी कीजिए लेकिन हमारे बच्चा पढ़े। तो समझ लो अब बस हमको मम्मी पापा से मोहर मिलना चाहिए, फिर देखो क्या होता है। हमारे चारों ओर गैस या चारों ओर ये ऐसे चारों ओर गैसों की परत से जुड़े। हाँ, तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी, जिसे हम लोग तो पृथ्वी के चारों ओर घिरी गैसों के परत को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। क्या लिखेंगे? पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों, क्या लिखा है? चारों ओर घिरी, क्या लिखा हुआ है? घिरी चारों ओर घिरी परत, देखना चारों ओर से गैस घिरी, पृथ्वी के चारों ओर घिरी गैसों का परत, क्या बोलते हैं? घिरी गैसों का परत, गैसों की परत, परत को क्या कहते हैं? परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु का मंडल, वायुमंडल कहते हैं। इसलिए मत छापना, इसको अलग से लिखना, वायुमंडल कहते हैं। हो गया परिभाषा, चलो आगे बात कर लेते हैं। तो ये पृथ्वी बनाना है और ऐसे करके छोटा सा भी, और इसके चारों ऐसे डॉट देखे, ये सब वायुमंडल है। समझना है कि ऑक्सीजन मतलब वायुमंडल में मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ। हो गया पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसी में जोड़ लो, ये तो परिभाषा हो गया ना। नीचे पॉइंट जोड़ कि वायुमंडल में मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। क्या लिखोगे? वायुमंडल, पहला पॉइंट, वायुमंडल में क्या है? मुख्यतः क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और क्या है? नाइट्रोजन है। तुम बताओ मीठा ऑक्सीजन का क्या होता है फॉर्मूला? हाइड्रोजन से एच, हीलियम से एच, ऑक्सीजन में क्या होता है? सूत्र होता है ओ, लेकिन उसको लिखते हैं ओ टू, ठीक है। इसके पीछे कारण है, थोड़ा बताएंगे। नाइट्रोजन को एन, ठीक, क्या बोलते हैं? तो ऑक्सीजन को ओ, देखो कभी कभी किताब में ऐसे लिख भी देता है, ऑक्सीजन ओ, ओ टू लिख देगा ऐसे, इसलिए इसको लिख लो, ऑक्सीजन के ब्रैकेट में ओ टू और नाइट्रोजन के ब्रैकेट में एन। तो नम्मा में सब बच्चा पढ़ता, आठवां नम्मा। हम कहाँ बोले थे तुम नहीं पढ़े? हम तो बोले थे पढ़ो, इसलिए बताओ।
तो जिस कोचिंग में लोग दिन रात जाता है नमा दसवा में वो याद नहीं रहता है हाइड्रोजन हीलियम से क्या नहीं तो लोग कहाँ पढ़ाते हैं कैसे भूल गए मारते हैं लड़के सब वो तो थपड़िया देते हैं और मतलब कि मारते रहते हैं इधर से गए बस एक थप्पड़ अपने लिख भी रहना हम नहीं पढ़े ऐसे क्या है मारते हैं समझ नहीं इतना जोर से नहीं अब सुनो नाइट्रोजन की मात्रा समझ लो ये किसकी बात कर रहा है वायुमंडल में ये मत समझना बाद में पूछना कि किस चीज में तो नाइट्रोजन का मात्रा कितना है वायुमंडल में 78% मतलब सबसे ज्यादा है कि हमारे हवा में क्या है नाइट्रोजन ये सीधा क्वेश्चन आएगा सीधा कि हवा में सबसे ज्यादा क्या है नाइट्रोजन जिसकी प्रतिशत कितनी है 78% ठीक है अब दूसरा सवाल ऑक्सीजन की मात्रा तीसरा पॉइंट बना लो या उसी में जोड़ लो ऑक्सीजन क्या तुम नहीं पढ़ती हो घर पे क्या नाम है तुम्हारा अंशु तुम्हारा कंप्लेन आ रहा है नहीं तो तुम्हारे तो पूछने से लगता है तुम घर पे ना मेहनत करती हो बोलेगी तो तुम तो पूछते तो तुम जवाब कहाँ देते हो कल है टेस्ट तो पता चलेगा कितना पढ़ी हो ठीक है ऑक्सीजन की मात्रा 21% ठीक और 1% कितना हुआ पता है कितना हुआ ये 99% हुआ और एक जो परसेंट बचा हुआ इसमें इत्यादि गैस है कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम वीलियम इत्यादि गैस तो उसमें डिटेल अभी नहीं बताएंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत 0.% है उतना में तो समझ में आया ये दो तीन ऑक्सीजन की मात्रा कितना है 78% ऑक्सीजन कितना है नाइट्रोजन की मात्रा 78 और ऑक्सीजन कितना है 21% ठीक तो ये समझना है कि नाइट्रोजन की मात्रा कितना 78 ऑक्सीजन की मात्रा 21% अब हमको समझना है ये थोड़ा सा कि इसके वायुमंडल जो हमारे पृथ्वी के आसपास है वायुमंडल इसका क्या कंसेप्ट है और इसमें क्या क्या चीजें हैं और कैसे उसको बांटा गया उसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं चलो तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कि देखो इसमें क्या कह रहा है कि वायुमंडल से और ये वायुमंडल का अलग अलग काम है इसको हम पढ़ाएंगे ये जो वायुमंडल होता है ना जिससे ओजोन से क्वेश्चन था कल कौन कौन पूछ रहे थे ओजोन इस वायुमंडल में ओजोन इससे क्वेश्चन आता है ओजोन परत है ओजोन परत से क्या होता है ना जैसे कि मोटू का एक पर्त है वो जैसे सूर्य से क्या आता है ना हानिकारक किरण से आता है जैसे छानते हैं ना कोई चीज ऐसे ही काम करता है ओजोन जो है उसको छानता है और इसको भगा देता है और साफ जो है हमारे पास सूर्य का रोशनी पृथ्वी पर आता है ये उसका जैसे वायुमंडल में इसमें लिखा नहीं हुआ लेकिन ये सूर्य से कुछ हानिकारक किरण को से बचाता है कौन बचाता है ओजोन बचाता है तो एक पॉइंट और लिख लो कि ओजोन सब कुछ नहीं है लेकिन जोड़ लो क्या तीसरा था ना चौथा ओजोन क्या करता है ओजोन परत ओजोन इसको O3 बोलते हैं ओजोन परत कहीं कहीं पूछ देता है O3 O2 नहीं O3 ओजोन परत पृथ्वी को क्या करता है पृथ्वी को हानिकारक किरणों से बचाता है किरणों अच्छा सर आप एजेड हो गए हैं सर के रिटायर होने का एज हो गया हानिकारक किरणों से बचाता है हो गया ओजोन परत क्या करता है पृथ्वी को हानिकारक किरणों से बचाता है ठीक तो सीधा क्वेश्चन क्या आएगा कि पृथ्वी को हानिकारक किरणों से कौन बचाता है ओजोन परत चलो ओजोन अब क्या बोले थे रिटायर होने वाला सर रिटायर होने वाला सर एजेड है काफी वायुमंडल कौन सा रिजिड
ओजोन सर, इसको खत्म करो। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी के सतह से शुरू करते हुए, हाँ चलो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है यहाँ हमको समझना है कि अब ये जो हम पूरा का पूरा पर्त की बात कर रहे हैं, अब ये लिख लिया, देखो ये जो हम पर्त की बात कर रहे हैं छोटा छोटा लिखेंगे, तो क्या है ना कि चूंकि अलग अलग पृथ्वी पे क्या है बहुत दूर तक होता है, 16,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्या क्या फैला हुआ है? ये पूरा का पूरा ये जो है पर्त, ये जिस ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर क्या है? वायुमंडल। ये वायुमंडल, इसकी जो टोटल फैलाव है लगभग 16,000, ठीक, 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ। इसका मतलब ये हुआ इसके बाद स्पेस है, अंतरिक्ष है। क्या है? स्पेस या इसको बोलते हैं अंतरिक्ष। क्या समझ में? मतलब मोटा मोटी यहाँ तक हवाओं का कुछ प्रभाव है, बाकी इसके बाद क्या है ना एकदम खुला, वहां पे जाओगे तो लटकते रहो, लटक कैसे हवा में तैरते रह जाओ। स्पेस में लोग जाता है तो वहां पे न हवा है न कुछ है, वहां पे हम लोग क्या हो जाएंगे? सीधे भगवान को प्यारे हो जाएंगे, इसलिए स्पेस में नहीं जाना है। तो तुम्हारा सवाल होगा तो फिर कैसे लोग जाता है? तो उसका सूट आता है स्पेस में। क्या होता है? सूट यानी कपड़ा पहन के फिर जाता है लोग स्पेस में, वो भी स्पेस यान, मैंने अंतरिक्ष यान में, तो उसमें पूरा ऐसी वैसी सब हवा हवा सब जुगाड़ कर, नहीं तो सीधा ऊपर पहुंच जाए। तो ये कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऐसे ऐसे करके ये उसमें क्या है ना कि वायु के मात्रा के अनुसार से इसका वर्गीकरण किया गया, नामांकन किया गया। हमको क्या किया? सारा तो वायुमंडल है, इसका नामांकन किया गया। तो इसको घटक तापमान और अन्य आधार पर 5 भागों में बांटा गया। कितना भागों में? 5 भाग। ये हमको नाम जानना है, कितना भाग में? 5 भाग। ये 5 भाग, 5 भागों में बांटा गया, जिसके अंतर्गत क्या है तुम्हारा? पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल है, तीसरा है मध्य मंडल, तीसरा चौथा आयन मंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। तो क्या नाम है यहाँ पे? 5 मार्ग। तो हम क्या लिखेंगे सेकंड हेडिंग? वायुमंडल का विभिन्न परत। क्या बोलेंगे? वायुमंडल का विभिन्न परत, ठीक। तो वायु मंडल का विभिन्न परत, विभिन्न परतें, 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 क्या समझ में आ गया ना? लेयर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेयर। इंग्लिश में लिखना भूल ही गए। लेयर माने परत होता है, परत। अब ऐसे कि ऐसे गए तो एक लेयर जैसे क्या हो, यहाँ से यहाँ तक पूरे को हम लोग क्या कर देंगे? छोप मान लेंगे। सबसे नीचे भाग को क्या कर देंगे? अभी लिखा देते हैं, फिर अभी इसका ड्राइंग बनाएंगे फिर समझाते हैं। उसमें पहला क्या है? छोप मान। क्या है? छोप मंडल। दूसरा क्या है? दूसरा क्या? समताप मंडल, सम ताप मंडल, सम ताप मंडल। तीसरा कैसा? मध्य मंडल, मध्य मंडल। नाम थोड़ा थोड़ा किसी किसी बुक में अलग अलग है, नाम मंडल। चौथा आयन मंडल, आयन आयन इसमें नहीं दिया हुआ, आयन मंडल में ही ओजोन पे ओजोन लेयर है, आयन मंडल। और पांचवा क्या? बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। ये 5 टोटल मंडल हो गए। ये कैसे फैला हुआ समझा दो, इसको मिटा दें। तो देखो इसमें 2-3 चीज लिख लीजिए, फोटो एक बार फिर से बना लेना और कैसे समझना ये थोड़ा समझ लो कि हम ये ऐसे परत बनाए ऐसे। तो क्या है, सबसे पहले तो ये लिख लेंगे लगभग कितना 1600 किलोमीटर तक क्या हुआ है? फैला हुआ। और एक जो परत है ये पूरा का पूरा एक परत हो गया, ठीक है। ये जो है ना ये वाला ये एक परत हो गया, समझ रहे तो हमारी बात। ये पृथ्वी के चारों ओर ऐसे परत है, इस पूरे परत का नाम हम लोग क्या बोल दिए? क्षोभ मंडल बोल दिए। क्या बोल दिए? क्षोभ मंडल बोल दिए। ये इस परत को बोल दिए क्षोभ
मंडल ऐसे। अब ये जो दूसरा वाला, अब यहाँ से जैसे शुरू होगा ठीक, ये वाला इसका दूसरा नाम रखेंगे, तो इसको कुछ और ऐसे ऐसे काट दो, ऐसे करने का जरूरत नहीं, हम वही समझा रहे हैं, एक बस बना लो फिर समझा देंगे। तो हम दूसरा कलम से रंग देते हैं, तो ये वाला हम इसका कुछ है ऐसे, ये जो है इसकी क्या, इसका नाम क्या, संताप मंडल, ऐसे करके टोटल पांच मंडल है ठीक। ये किसका, वायुमंडल का, चलो ठीक है उसमें आप पास आ गए। तो वायुमंडल में मुक्त अज्ञात के बारे में बता दिए वृद्धि के लिए, हाँ, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के, आपको थोड़ा सा बता, ऑक्सीजन से क्या करते हैं हम लोग, सांस क्या लेते हैं, क्या लेते हैं सांस, किसको पता है ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, नहीं पता है तो लिख लो, सांस में हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, भोजन को खाना बनाते हैं ठीक है। और मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ का क्या, पेड़ का क्यों वैल्यू है, देखो शहर में क्या होता है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, बहुत दिक्कत होता है, तो पेड़ का क्या काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसको खाना बनाता है और ऑक्सीजन देता है ठीक है, उसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से कहते हैं। तो बायो में उसको पढ़ेंगे क्या है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, लेकिन लोग पढ़े संश्लेषण नमा में भी, अथवा नमा में भी पढ़ाते हैं प्रकाश संश्लेषण ठीक। प्रकाश संश्लेषण का क्या काम होता है, जब पेड़ ठीक सूर्य की मदद से और पानी की मदद से वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेकर अपना खाना बनाता है, खाना के रूप में ये भी पूछता है क्या निकलता है, खाना के रूप में जो ग्लूकोज, ग्लूकोज निकलता है, मतलब जैसे कोई फल फूल हो गया ना वो जमा करता है ना, उसको ग्लूकोज बोलते हैं, फल मीठा होता है ना तो ग्लूकोज मीठा होता है, तो उसमें ग्लूकोज पी लेंगे दौड़ेंगे ताकत आ जाएगा, तो फल मीठा होता है, तो वो मीठा जमा करता है फल के रूप में और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हम लोगों को देता है ठीक है। हमारी नहीं ऑक्सीजन ग्लूकोज नहीं है, मतलब वो हवा है ना सांस लेने के लिए, तो वो हवा तो ये है। जैसे कुछ पौधा का, इसलिए हमारे यहाँ हमारे धर्म में क्यों पूजा जाता है, जैसे तुलसी को, सुपर पीपल को क्यों पूजा जाता है, ये नहीं है कोई पीपल भगवान क्या लोग पूजा कर रहे हैं। देखो पीपल का हमारे हिंदू धर्म में और तुलसी का इसलिए महत्व है ना, क्योंकि पीपल तुलसी दो ऐसे पौधे हैं जो दिन रात ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए पूजते हैं, ये नहीं कि कोई तुलसी माता पे बड़की कृपा वाली है, कोई तुलसी माता तुमको बड़का पैसा दे देगी, तुम लोग नहीं समझते, ये सब लॉलीपॉप है बच्चा सबको ठकने के लिए, मैंने पूजा को कोई ना कोई बहाना चाहिए, हमारे लोग बहुत ही चले चला, मैंने ऐसा है कि जो लोग, मैंने ऐसे समझो कि तुम पटना या तुम दिल्ली का जिंदगी, इतना गर्मी है वहाँ पे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, अब जो पेड़ पौधा हमको इतना मदद कर रहा है, तो वैदिक धर्म में ही या सिंधु घाटी सप्ताह में देखो लोग पेड़ को यानी प्रकृति को पूजा करते हैं, तो हिंदू धर्म में विशेष रूप से उसको जोड़ा गया साधना से कि जिस जो तुलसी माता दिन रात हमको फूल देती है मतलब ऑक्सीजन दे, उसका पूजा करना है कि नहीं, तो ये है इसीलिए इसलिए पूजा पीपल का हमारे यहाँ हिंदू धर्म तुलसी का इज्जत इसलिए इतना है, न कि उसका कुछ है ऐसा कुछ ठीक है। अब ऐसे तुमको कहानी करके बताएंगे तब तो जो नहीं तो करेंगे अच्छा है, तो ऑक्सीजन का कोई मान दो छोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लोटा हमको क्या मतलब है, तो भगवान से जो ठीक है, तो हमारे हिंदू धर्म अधिकतर चीजें जो है प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक मतलब उसको हम लोग भगवान से जोड़ दिए ताकि हमारा भाव प्रेम जुड़ा हो ठीक है, नहीं तो तुमको असली बात बता देंगे तुम सब छोड़ दो, कौन भगवान है, असली बात कुछ और है, जैसे बच्चे को लॉलीपॉप देकर थकते हैं बुआ और बुआ काम करवाना रहेगा, बुआ लॉलीपॉप देखो कल काम करिए, पढ़ाने के लिए जाना है स्कूल, बुआ स्कूल में लॉलीपॉप भेट दो पढ़ने के लिए, कैसे बोलते, तो ऐसे ही है, तो हम लोगों को लॉलीपॉप दिया जाता है पंडित, तो ठीक है ये समझ में आ गए, तो ये कह रहा है तो ऑक्सीजन क्या करता है हम लोगों को ये करता है, जैसे पृथ्वी गर्म रहती है और द्वारा की उष्मा को अवशोषित करता है, यही कहता है कार्बन डाइऑक्साइड यदि बहुत कम मात्रा में, लेकिन पृथ्वी पर जो है लोग जो जैसे फैक्ट्री इत्यादि से जो गैस निकलता है तो वो क्या करता है पृथ्वी सॉरी पेड़ पौधा उसको सोख लेता है और उसको ठंडा रहा ऑक्सीजन थोड़ा ठंडा, इसको खत्म करने दो थोड़ा सा बचा हुआ, तो
क्या कर रहा है, ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है या घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा हाँ एक दो जो सुनो एक क्वेश्चन आता है कि जैसे जैसे हम एक चीज समझा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, देखो नीचे क्या है जैसे जैसे पृथ्वी के नजदीक है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है तो अधिकतर जितना भी है धूल कण बादल इत्यादि वो पृथ्वी के आसपास होते हैं। क्या होता है बहुत मतलब बहुत ऊंचा नहीं है तो पृथ्वी के जो नीचे वाले पर्थ है जैसे इस तरह से दो पर्थ इस तरह से ऊपर वाला नीचे वाला इसका घनत्व ज्यादा होता है। क्या होता है घनत्व डेंसिटी मतलब घनत्व मतलब हुआ कि इसमें धूल कण इत्यादि की मात्राएं ज्यादा होती है नीचे वाले पर्थों में घनत्व की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो घनत्व घटता जाता है इसीलिए जो एवरेस्ट पर्वत पर यानी चढ़ता है ना उसको स्पेशल ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चढ़ना पड़ता है क्योंकि ऊपर में हवा की कमी हो जाएगी तो कैसे पर्वत पर चढ़ेगा लोग इसलिए उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। घनत्व कम होने के कारण सांस में कठिनाई होती है ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होती है। कुछ क्षेत्रों में अधिक दबाव महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब में निम्न दाब की ओर बहती है गतिशील वायु को पवन कहते हैं। चलो ठीक है ये दो तीन चीज समझ लो थोड़ा थोड़ा परिभाषा है बच्चा सबको समझाने के लिए तो समझ लो तुम लोग। तो दो तीन बात क्या है कि सबसे इसीलिए हम क्या करेंगे हम जब पर्वत पे जाएंगे ना जैसे तुमको मन है हमको एवरेस्ट पे छापना चढ़ना है तो एवरेस्ट बहुत ऊंचा है तो 8848 किलोमीटर मतलब तो हमारे इतना से हम 8 किलोमीटर लगभग ऊपर जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हवा की मात्रा कम हो गई हवा इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको ऑक्सीजन सिलेंडर पीछे लटका के ले जाना पड़ता है। तो इस जो भी लोग ऊपर चढ़ते हैं उसको तो खाना वाना सब जुगाड़ करके ले जाना पड़ता है तब चढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हुआ जैसे जैसे हम लोग गए ऑक्सीजन का क्या हुआ घनत्व घनत्व कम हो गया मतलब ऑक्सीजन घनत्व कम हो गया तो वहाँ मात्रा कम है तो लोग जैसे ही घनत्व आता है तो ये सब फिजिक्स का टर्म है तो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम बोलते हैं यानी घनत्व को हम ऐसे कहेंगे कि घनत्व का मतलब क्या होता है कि कौन सी कितना घना तो पृथ्वी के आसपास हवा धूल कण की मात्राएं ज्यादा है जैसे जैसे हम लोग जाते हैं तो इसकी मात्रा कम होती जाती है। इसके अलावा इसमें जैसे हवा चला तो गति हवा देखो पता है हवा पवन इस सब का भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग मतलब ये कह रहे हैं कि हवा जो हमारे यहाँ नीचे हवा हवा ज्यादा चलती है तो नीचे जो जैसे गतिशील तेजी से जो कोई हवा चल रहा है उसको हम लोग पवन बोलते हैं। ठंडी ठंडी पवन चले ठंडी ठंडी हवा नहीं ना चले कहते हैं ठंडी ठंडी पवन चले तन मन में है आग लगे कौन कौन गीत सब है। तो ये पवन का मतलब क्या होता है कि चलना तो उसका सेंस क्या है पवन मतलब हवा चलना ठीक है ये है पवन। तो इतना कंसेप्ट है इस मंडल में। एक दो चीजें और है जिसमें नहीं दिया उसमें हम थोड़ा बात करेंगे बाद में लेकिन कुछ चीजें इसमें छुपी हुई है। तो जैसे अगर लुसेन से पढ़ते हो ना तो इसमें जैसे कि अलग अलग का किलोमीटर दिया हुआ है तो उससे हम बात करेंगे अभी पहले ठीक है पहले इसको कवर कर लेंगे इतना पोर्शन। एक टॉपिक का तो ब्रेक ले लो एक टॉपिक और बचा हुआ है तो तक खत्म कर देंगे ठीक आज।